एडजस्टमेंट नंबर फाइव प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन सर प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन चलिए अगेन प्रोविजन फॉर डेप्रीशियन पहले समझ लेते हैं होता क्या है हालांकि एक चैप्टर भी हमारा के अंदर कवर करेंगे मैं अगला चैप्टर या उससे अगला चैप्टर जो भी है वो करने वाला हूं। तो डेप्रीशियन प्रोविजन में क्या होता है आप ध्यान से समझिएगा पहले बैलेंस शीट बनाया जाता है कुछ इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा मान लेते हैं ये है लाइबिलिटी और ये है एसेट यहां पे एग्जाम्पल देखिएगा मैं मिटा दूंगा इसके बाद समझाने के लिए आपके पास मशीनरी है पचास हजार का और सर डेप्रीशिएशन चार्ज करना है आपने टेन परसेंट तो पचास हजार के मशीनरी पे टेन परसेंट डेप्रीशिएशन चार्ज करना है तो एक मेथड तो ये कहता है सर आप मशीनरी लिखिए यहाँ एसेट्स में और मशीनरी लिखिए यहाँ पे पचास हजार और इसमें से माइनस कर दीजिए सर डेप्रीशिएशन पांच हजार और यहाँ शो कर दीजिए आप दूसरा मेथड सर हमें बोलता है सर मशीनरी लिखिए पचास हजार और इसके ऊपर का माइनस ना करके लाइबिलिटी में लिख दीजिए प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन और इसका एक और नाम है एक्यूमिलेटिव डेप्रीशिएशन सर इसका एक और नाम है कहीं एग्जाम में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना एक और नाम है एक्यूमलेटेड अप्रिसिएशन तो सर आपके सामने ना दो तरीके हैं या तो मैंने क्या करा एक इस तरीके से करके दिखा दिया आपको और दूसरा मैंने आपके सामने कराया इसी सवाल को इसी क्वेश्चन को इस तरीके से अब सवाल होता है कि सर कौन सा मेथड सही है कौन सा मेथड गलत है आप इसमें से अगर ध्यान से देखें ना इसके अंदर तो इसके अंदर आपको नेट रिफ्लेक्शन पैंतालीस हजार है और यहां भी ध्यान से देखें ना तो आपको नेट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कितना मिलेगा आपको तो यानी सर जब हम एसेट्स में से डिप्रिशिएशन को माइनस नहीं करते हैं बजाय हम लाइबिलिटी में दिखा देते हैं तो इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ये जो फॉलो कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रोविजन वाला और ये जो फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल डेप्रीशिएशन वाले ठीक है सर एक साल और आगे लेके चलते हैं इसको तो और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगा एक साल और आगे लेके चला जाए इसको नेक्स्ट ईयर में क्या होने वाला है पता है सर नेक्स्ट ईयर के अंदर मशीनरी जो है वो पीछे से आएगा मशीनरी उठ के तो मशीनरी पे आएगा पता है कितना नेक्स्ट ईयर ईयर टू में ठीक है ना और सर इसके अंदर डेब्लू डी हुआ तो पैंतालीस पे माइनस करेंगे और एस एल एम हुआ तो कितना डेप माइनस कर देंगे पूरे पांच हजार यानी जो चल रहा है एस एल एम में वही रहेगा मैं एक पल को एस एल एम मान लेता हूं तो यहां कितना बचेगा लेकिन सर दूसरी साइड क्या करेंगे फिर हम ईयर टू के अंदर अगर दूसरे साल में ईयर टू पे चला जाऊं टू तो सर यहां पे ये वाला रहेगा हमारा पांच इसमें कोई छेड़खानी नहीं होने वाला यह पचास हजार ही रहेगा अगले साल हमारा इसके अंदर क्या होगा सर और डेप्रीशियन ऐड हो जाएगा करंट ईयर का डेप्रीशियशन पांच हजार एड होके यहाँ पे डेप्रीशिएशन कितने आ जाएंगे दस हजार समझ रहे हो बात को यहां तक कोई दिक्कत आ रही है फर्दर अगर कंटिन्यू अगले साल जाएंगे तो यहां पे हमें क्या होगा चालीस जाएगा अगले साल में और 40 में से कितना माइनस करेंगे फिर से पांच पैंतीस बच जाएगा लेकिन जब ये वाला अगले साल जाएगा तो इसमें कोई चेंजेस ये तो पचास ही रहेगा यहाँ पे पांच और एड एड़ हो जाएगा हालांकि अल्टीमेटली तो देखो यहाँ पे भी आपको ध्यान से चालीस ही नजर आ रहा है और यहाँ पे भी कितना है चालीस है तो इसका मतलब सर अगर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन होता है सवाल में तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के केस में एसेट्स में से डेप्रीशिएशन माइनस नहीं होता है एसेट्स में से डेप्रीशियशन माइनस अगर मैं इसको ट्रायल बैलेंस में इस वाले पॉइंट को शो करूं ना तो कैसे शो करूंगा पता है अगर मुझे ट्रायल बैलेंस बनाने को दिया जाए देखो तो बिल्कुल मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं मुझे नहीं मतलब लेकर बारहवीं में क्या पढ़ा है अगर बेसिक से लेके चले ना तो मशीनरी अगर मैं लेके चलू प्रोविजन वाला ट्रायल बैलेंस एक बना के दिखाता हूं तो यहां मशीनरी आएगा और ये डेबिट में आएगा पूरे पचास और PFD आ जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन लाइबिलिटी में तो कितना आ जाएगा दस हजार अगर ये प्रोविजन के हिसाब से ट्रायल बैलेंस बना है तो मगर सर अगर ये बना हो ट्रायल बैलेंस नॉर्मल के हिसाब से तो कैसा बनेगा एक बार दिखाओ नॉर्मल के हिसाब से बना हो सर नॉर्मल के हिसाब से ट्रायल बैलेंस सर नॉर्मल के हिसाब से ट्रायल बैलेंस बनेगा ना तो यहां पे मशीनरी आएगा चालीस हजार और डेप्रीशिएशन आएगा ऐसे दिखाएंगे यानी जो माइनस करके एसेट्स है ऑलरेडी देखा रखा है हमें पचास और पांच हजार जो करंट ईयर का डेप खर्चा है ना डेबिट में आ गया अल्टीमेटली यहां दिखाया जाए तो कितना दिखा दिया हमने पांच हजार रुपए करंट ईयर का डेप और हमने ये दिखा दिया मतलब कहने का मतलब है सर करंट ईयर का ये वाला डेप कौन से साल का है सर यह है करंट और ये वाला डेप कौन से साल का है सर करंट ईयर प्लस फर्क तो होगा ना ठीक है अल्टीमेटली आप देखेंगे यहां पे ट्रायल बैलेंस के टोटल अलग अलग आ सकते हैं अलग अलग मतलब डेबिट क्रेडिट यहां भी मैच नहीं हुआ ये तो मैं एक सिर्फ एक्स्ट्रैक्ट लेके चल रहा हूँ ठीक है चलिए सर आगे चलते हैं अब इसके लिए मैं आपके लिए पी एंडल भी बना लू अगर मैं आपके लिए पीएनएल बनाता हूँ इसके लिए कौन सा सर प्रोविजन वाले के लिए पी एंड एल तो यहां मैं लिखने वाला हूं क्या सिर्फ पी एंडल में क्या आता है सिर्फ सिर्फन या एसेट्स भी आ जाता है सर सिर्फ आएगा और एक बनेगा बैलेंस शीट अगर मैं पीएनएल वाले के लिए बताऊंगा प्रोविजन वाले के लिए ये मैं प्रोविजन वाले के लिए काम करता हूं तो सर यहां पे डेप्रीशिएशन दिखाया जाएगा लेकिन दिखाया जाएगा कितना पांच हजार और सर यहां पे बैलेंस शीट में मशीनरी दिखाया जाएगा कितने दिखाए जाएंगे और सर यहां पे पीएफडी दिखाया जाएगा कितना दिखाया जाएगा पूरे दस हजार क्योंकि पीएफडी तो जुड़ के आ रहा है ठीक है ना और करंट ईयर का डेप कितना आ जाएगा पांच हजार सर लेकिन एंट्री तो यहां पे देखा जाए तो दो ही बन रहा है ये पांच हजार यहां पर तभी आप दिखाने वाले हो जब आपको बोल दे कि एडजस्टमेंट में कि डेप्रीशिएशन करंट ईयर का इतना है आपको पता हो तब पहले तो देखो ये ऐसे जाएगा मान लो मैं सारी डिटेल दे रहा हूं तो आपको पता है सर करंट ईयर का डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे यहां क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो कहता है क्या कहता है बड़ी सीधी सी बात बोलता है कि भैया मेरे अंदर जो भी खर्चा जाएगा सिर्फ एक साल का जाएगा और मेरे अंदर इनकम भी आएगा एक साल का अगर एक साल से ज्यादा खर्चा डालोगे तो उसे प्रीपेड मान लेना एक साल से कम खर्चा है तो आउटस्टैंडिंग मानकर जोड़ के पूरा एक साल करो तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस में मैं पीएफडी यहां पे लिख दू कितना दस तो कितने साल का खर्चा है वो तो ये तो मना कर देगा बोलेगा भाई अब मेरे लिए कितने साल का खर्चा होगा और बैलेंस शीट में आपको कितना दिखाना है सर चालीस ही तो दिखाना है तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट में कितना दिखा रहे हो चालीस दिखा रहे हो अब मैं इसके लिए बना देता हूं दूसरे के लिए नॉर्मल के लिए ये हो गया पीएंडल और ये हो गया बैलेंस शीट सर पीएनडल में करंट ईयर का डेप आ जाएगा सर कितने का और सर बैलेंस शीट में मशीनरी आ जाएगा कितने आ गए चालीस कैसे चालीस सर जो था ट्रायल बैलेंस ले लो चालीस का चालीस आ गया पांच हजार करंट ईयर का डेप है यहां पहुंच गया अब दोनों अकाउंट को देखो दोनों अकाउंट के अंदर अगर आप डिटेल में जाओगे ना तो दोनों में कोई फर्क ही नहीं है सर फर्क है समझदारी में यहां पे भी बैलेंस शीट में चालीस दिखा रहा हूं और खर्चा पांच यहां पे भी बैलेंस शीट में कितना दिखा रहा हूं चालीस और खर्चा पांच लेकिन समस्या तब पैदा हो जाता है जबकि आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दे दे एडजस्टमेंट और बोले आपको टेन परसेंट का डेप्रीशिएशन चार्ज करना है हमने लगाया नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में टेन परसेंट का डेप्रीसिएशन जब चार्ज करोगे तो सबसे पहले एस एल एम हुआ तो टेन परसेंट ये कौन सा प्राइस है इसके ऊपर चार्ज होगा बट डब्ल्यू हुआ तो डेप्रीसिएशन किस पे चार्ज होता है चालीस तो पहले हम यहां पर निकालेंगे चालीस और चालीस के ऊपर टेन परसेंट दट इज फोर थाउजेंड रुपीज चार्ज करेंगे बैलेंस शीट में दिखाने का कैसे रहेगा अगर ये एडजस्टमेंट में हो गया तो बैलेंस शीट के अंदर हम पूरा चालीस हजार पचास हजार दिखाएंगे और पीएफडी जो पहले से दस था वो भी दस दिखेगा बैलेंस शीट में लेकिन करंट ईयर वाला भी इसमें कितने चार समझ में आ रही बात तो इस तरीके से कुछ प्रोविजन का ट्रीटमेंट रहता है लेकिन मैं तो पूरे डिटेल में लेके जा रहा हूं शुरू से लेके एग्जाम में बड़ा सिंपल सा सवाल आएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है आपको सिर्फ फिल करना होगा ठीक है समझ में आई बात आपको तो ये तो बड़ा सिंपल सा है तो ये आप नोट करेंगे नोट करने का मेरे हिसाब से बनता नहीं है बाकी आपको नोट करना हो तो वीडियो मैं इसको दे दूंगा और ये वीडियो को देख के आराम से नोट कर लीजिएगा पॉज कर करके क्या पीडियो? हाँ पीडीएफ तो देंगे लेकिन पीडीएफ में ये आएगा नहीं ना आप तो देखो डिलीट मार रहा हूं मैं इसको <laughs> कहा गया पीडीएफ <पीडियो> से गायब <laughs> चलिए आ जाइए सर अब बात करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन यह भी दो जगह गिवन हो सकता है या तो गिवन हो सकता है कहां गिवन हो सकता है बोलो ट्रायल बैलेंस में या गिवन हो सकता है सर एडजस्टमेंट में अगर गिवन हुआ ट्रायल बैलेंस में तो कितनी एंट्री एक एंट्री और अगर गिवन है ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन तो ये चला जाएगा सर बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में एल में नहीं जाएगा लेकिन अगर गिवन हुआ कहां सर एडजस्टमेंट में तो सर इसकी दो एंट्री अगर हुआ एडजस्टमेंट में तो दो एंट्री सर एक तो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में सर एक जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड और जो डेबिट साइड जा रहा है ना वो होगा करंट ईयर का डेब ओनली करंट ईयर क्योंकि जब प्रोविजन होगा तो एक साल का डेटा नहीं होता हमारे पास कितने टाइम का डेटा होता है मोर देन मतलब कि टोटल लाइफ का ही होता है वो उसके सेम अगर हमारा होता है ये कहां पे दूसरी एंट्री पी एंडल में चला गया दूसरा ऐड हो जाएगा सर ये इन प्रोविजन डेप्रीशिएशन अच्छा इसके ना दो ट्रीटमेंट हैं इसके दो ट्रीटमेंट है या तो आप ऐड कर दीजिए इसमें से या अगले साल से आपका अगर चाहते हो जैसे मान लो ये आपके सामने बैलेंस शीट है बैलेंस शीट में आपने लिखा मशीनरी पचास हजार और यहां आपने लिखा पीएफडी दस हजार तो इसका मतलब ये सब अलग अलग बातें चल रही है ठीक है अगले साल ने बोला आप झंझट से झंझट में नहीं पढ़ना चाहते आपने बोला भैया अगले साल से हम मशीनरी ऐसे लिखेंगे पचास और पहले माइनस कर दो भैया पुराना पीएफडी हटाओ इसको दस तो आप बैलेंस शीट को इस तरीके से बनाना चाहते हो अब जो करंट ईयर का डेप आया करंट ईयर का तो करंट ईयर का प्रोविजन में नहीं दिखाओगे भले ही प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन पहले से था करंट ईयर का डेप बोलोगे हटाओ ना अगले साल से इस कहानी में नहीं पढ़ना अब डेप करंट ईयर का माइनस कर देंगे जो कि चार हजार आता है तो ये बच जाएगा हमारा कितना छत्तीस हजार एक तो ये तरीका है, दूसरा सर तरीका क्या है आपका दूसरा तरीका है कि आप को फिर वही दिखाओ कितने और आप पीएफडी जो दिखा रहे हो ना दोनों को आप ध्यान से देखो तो बैलेंस में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है उस वाले अकाउंट बैलेंस के अंदर भी आपका छत्तीस हजार और यहां पे भी कितना हो रहा है 36. तो या तो आप इस फॉर्मेट में आगे कंटिन्यू करिए मैंने जो यहां एडजस्टमेंट किया है कि पी एफ तो ये वाला बताया ये वाला थोड़ा सा आसान लग रहा है क्योंकि ज्यादा उलझोगे नहीं इसमें बाकी आपकी मर्जी है सर किताब में कई बार ऐसे आंसर होगा कई बार ऐसे आंसर होगा तो परेशान बिल्कुल भी मत होना कि सर आपने दूसरी तरीके से बता दिया समझ में आ गई बात आपको हाँ जी क्या आपकी मर्जी है ना वो तो किताब बताएगा एस और डब्ल्यू किताब बताएगा मैंने तो डब्ल्यू मान के कर दिया वो तो बुक बताएगा आपको एस लगाना है या फिर और कुछ ना बोला जाए तो भैया एस लगा के कहानी खत्म करिए आप और नोट दीजिए इस, इस केस के अंदर इसे भी हटा दिया जाए सर इसके ना एक और में और आंसर हो सकता है इसका और में और आंसर हो सकता है इसको क्या कर सकते हैं दूसरा आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है सर दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है आप कर दीजिए लेस फ्रॉम एसेट मैं थोड़ा और डिटेल ले जाता हूं इसको बैलेंस शीट में सर ये बैलेंस शीट में जाएगा बैलेंस शीट में क्या होगा एड प्रोविजन हो जाएगा प्रोविजन किस साइड होगा आपको पता है ना लाइबिलिटी में या फिर दूसरा हो सकता है लेस फ्रॉम एसेट्स और एसेट्स में क्या क्या, -क्या? लेस होगा सर करंट ईयर का भी डेप लेस होगा प्लस पीएफडी भी लेस हो जाएगा पीएफडी व्हाट इज पीएफडी क्या है प्रोविजन फॉर डेप जो दूसरा वाला पैटर्न बताया था आपका या तो आप ऐसे वाला फॉर्मेट फॉलो कर लीजिए या ऐसे वाली वो आपकी टोटल इच्छा है कि किस तरीके से करेंगे अच्छा पीडीएफ लिख दिया पी ठीक है प्रोविजन फॉर या पूरा ही लिख देते हैं आप सब मान के चलो मैं पूरा इसलिए लिख के चल रहा हूं मैं अपने लिए आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं क्योंकि अभी दस से पंद्रह में मार्केट में बुक आ जाएगी मेरी तो जो मार्केट में जो बुक आएगी तो उसके अंदर ये चार्ट ये चार्ट यही में डलवाऊंगा सारा ठीक है आपके पास पहले से नोटिंग है उसमें आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाएगा जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो सब इसी चार्ट से पढ़ रहे होंगे फाइनल अकाउंट तो आने वाले टाइम में दस दिन के बाद दस या पंद्रह दिन में मार्केट में बुक आ जाएगी हाँ पहले मैं कर दो लू उसके अंदर पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन और साथ के साथ आपके उसको करने का इजी वे होगा डेली के अंदर अंदर टोटल एक लाख बच्चे जो उस बुक को पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर सारे बच्चे तो मेरे पास नहीं पढ़ रहे ना आप पढ़ रहे हो आपको डिटेल में होगा वो बच्चे चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो मतलब नहीं है लेकिन नोट्स को तो फॉलो वो करेंगे ही करेंगे उस किताब का एक नॉमिनल सर प्राइस होता है एक सौ जो आप जैसे जाओगे ना आपके सीनियर हो चाहे कोई भी हो वही रिकमेंडेशन करेगा एक तरीके से आपका लाइफ लाइन रहने वाला है उसके बिना तो समझ लो पास हो ही नहीं सकता बच्चा सीधी सी बात है तो वो लेना ही लेना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम टेन ईयर जिसको क्या बोलते हैं टेन ईयर आगे चल के जाओगे तो टेन ईयर उसके बिना कोई बच्चा मतलब के किसी भी सब्जेक्ट का सातों सब्जेक्ट के आपको टेन ईयर लेने ही लेने पड़ेंगे जिसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ लिख रहा हूँ अकाउंट्स का फर्स्ट सेमेस्टर में एक लिख रहा हूं मैं इकोनॉमिक्स का सेमेस्टर वन में लॉ का मैं नहीं लिख रहा लॉ की क्लासेस होंगे लेकिन उसके अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरा देखोगे तो इनकम टैक्स का है मार्केट में आप कभी भी शॉप पे जाना किसी शॉपकीपर पे तो इनकम टैक्स का ऑलरेडी मेरा मार्केट में आया हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑलरेडी मार्केट में हमारा है आप देखोगे तो वहां पे आपको बुक्स मिल जाएंगे सारी कॉलेज के बाद जो भी सीनियर है अभी आने वाला है कॉर्पोरेट का अभी आने वाला है कॉस्टिंग का दो और आने वाला एक ही है तीन आपके रिलीज होंगे इस साल में बुक तो आप लोगों को तो पहले ही पता चल गया आप जब जाओगे तो वहां पे वो बुक के अंदर प्रिंटेड फॉर्म में यही एडजस्टमेंट मिल जाएगा हाँ टेन ईयर होगा शिवदास के नाम से आएगा मार्केट में टेन ईयर अभी तो देखो अभी नए नए हैं बच्चे सेमेस्टर को सिम बोल रहे हैं तो अभी ज्यादा पता नहीं होगा ठीक है ना तो पता कब चलेगा जैसे जैसे कॉलेज में जाओगे तो आपको पता चलेगा अभी आपको ना नहीं पता कि ईवीएस पढ़ना कहीं कहीं दुनिया में किताब ही नहीं मिलेगी ईवीएस का फिर एक ही मिल रहा होगा सिर्फ टेन ईयर फिर टेन ईयर पकड़ोगे आप चलो भैया इसी से पढ़ लेते हैं आपके और भी ऐसे ऐसे रंगमंच सब्जेक्ट भी आपका अब रंगमंच में मंच ना होगा ना रंग होगा कहीं किताब ही नहीं है फिर आप क्या करोगे उसका इसी तरीके से लिख रखा है फाइनेंस फॉर एवरी ईयर बच्चों ने ले तो लिया फाइनेंस फॉर एवरी ईयर लेकिन करे तो करे क्या आपको मैं पहले बता दू डेली यूनिवर्सिटी से सिर्फ सिलेबस रिविल किया जाएगा और कौन से राइटर का किताब लेना है ना राइटर भी फॉरनर लिख देंगे वो जिसके अंदर आपको समझ ही नहीं आएगा भाई बुक लिया है मैंने या झंझट ले लिया क्योंकि कोई भी नया सिलेबस है मार्केट के अंदर जे आर मोंगा देखो पिछले कई सालों से जो है बुक लिख रहे हैं तो जे आर मूंगा बुक डेली के अंदर आपको यूनिवर्सिटी में मिल गया प्रैक्टिकल क्योंकि ट्रेंडिंग में है बाकी ईवीएस हर बार बदल रहा है भैया वहां कोई बुक नहीं मिलेगा EBS के बाद आपका इकोनॉमिक्स का भी कोई बुक मार्केट में नहीं मिलने वाला का का मिल मिल जाएगा जाएगा आपको आपको कपूर के नाम से आता है वो business law का आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपका और अदर जो सब्जेक्ट्स है ना भगवान जाने कुछ बच्चे बोल रहे एडिशनल नहीं है कंपलसरी है उसमें से चूज करो पास होना जरूरी है ध्यान रखना चूज करके जैसे एक मैंने देखा है कि एवरी फाइनेंस फिर रंगमंच है एक ईवीएस हो गया एक और क्या था एक भी। हाँ हिस्ट्री वगैरह तो सब्जेक्ट जो है उन सारे सब्जेक्ट में पास होने हैं एडिशनल नहीं है वो ठीक है तो उस टाइम पे ये रहेगा चलिए सर पांच एडजस्टमेंट में कोई डाउट